लोकसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए मतदान कर्मियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के लिए जिले के सभी ट्रेनर और मास्टर ट्रेनरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। एनआईसी हाल गोरखपुर में प्रशिक्षण के दौरान सीडीओ अनुज सिंह, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, एसडीएम सदर प्रथमेश कुमार सहित सभी एसडीएम और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ से चल रहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चुनाव अधिकारी ने मतदान को सकुशल संपन्न कराने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाए जिससे वे मतदान प्रक्रिया को सुचितापूर्वक सकुशल संपन्न करा सकें। हम आपको प्रैक्टिकल इनपुट्स देंगे और दूसरी चीज जो इसका प्रैक्टिकल इनपुट होगा वो आपको जनपद स्तर पर देना है, जो आपके मास्टर से होगा श्री आर के पांडे जी से, कि वो इसको आगे संचालित करें और बीच में हमारे सीओ साहब भी आपको ज्वाइन करेंगे जो आपको संबोधित करेंगे। वर्तमान गुड आफ्टरनून एंड वेलकम सर, कोई एक बोल देंगे बहुत जोर देता है कि पोलिंग पार्टी जहां जा रही है वहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं हो, नॉट ऑयल क्राइम हो और क्या क्या बात भी ध्यान से। जब हम ट्रेनिंग के लिए इन लोगों को बुलाते हैं तो क्या हम ध्यान से सम्मानजनक तरीके से बैठने की व्यवस्था करा देख रहे होंगे या प्रेस से संबंधित जो प्रभारी आपके अधिकारी बनाए गए हों, तो न्यूज़पेपर आता है उसमें इस बात का जिक्र अवश्य हो कि इस जिले में जो ट्रेनिंग होने वाली है वो अब यहाँ होने वाली है और वहां यदि आप विशेष इस प्रकार का उल्लेख कर सकते, विशेष व्यवस्थाएं वहां तक पहुंचने की आप करा सकते हैं जो पहली और दूसरी ट्रेनिंग के समय तो मुश्किल होता है पार्टीज के रवाना होने और वापस आने के समय, तो किया जाना चाहिए कि अगर कुछ बसेस की व्यवस्थाएं रोड ट्रांसपोर्ट के तरफ से जहां दूर बड़े शहर हैं जहां और आपने ट्रेनिंग का वेन्यू बहुत दूर रखा हुआ है तो इस प्रकार की व्यवस्था आप प्लान कर सकते हैं। जो परंपरा चल रही है, जो वर्तमान व्यवस्था है वो ये है कि पहली ट्रेनिंग में आप कर्मचारियों को कोड वार बुलाते हैं, कोड नंबर वार, यानी एक दिन पीठासीन अधिकारी आएंगे या एक या दो दिन या उसके बाद प्रथम मतदान अधिकारी आएंगे और उसके बाद द्वितीय तृतीय मतदान अधिकारियों की आप ट्रेनिंग करते हैं। पहली ट्रेनिंग आप कोर्ट बार बुलाते हैं, व्यक्ति हमारा मतदान कार्मिक है उसको किसी से कुछ नहीं पूछना, आपने ऐसे साइनेजेस लगा रखे हैं, इधर तीर बना रखा है उधर चिपका रखा हुआ है कि इस कोड नंबर से इस कोड नंबर तक यहाँ बैठेंगे या इस कोड नंबर से इस कोड नंबर तक इस कक्ष में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए या इस पूरी ट्रेनिंग के लिए जाएंगी। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरी जगह पूछता हुआ पाया जाता है तो आप मान के चलिए आपकी व्यवस्था जितनी अच्छी होनी चाहिए थी उतनी अच्छी नहीं है। अगर आते हैं तो आप अंदाजा कर लीजिए कि इसकी पर्याप्त मात्रा में प्रतियां लगाई जानी चाहिए थी जो आपने नहीं लगाई, एक दूसरे कमरे में दाहिने से बाएं जाएं उन पर जाएं कहां ढूंढे संख्या 50 कहां है, अगर ये पूछता हुआ व्यक्ति पाया जाता है तो ये ट्रेनिंग के प्रबंधन में थोड़ी कमी रहेगी जिसको दर्शाता है। जिस पर आप विश्वास करते हो ये जिम्मेदारी दे दीजिए कि साइनेजेस तीर के निशान यहाँ 25-50 जितने कक्ष संभव होते हैं उन कक्षों में मास्टर ट्रेनर एक या दो लगाते हुए और छोटे छोटे कक्षों में ट्रेनिंग कराई जाती है। इसके अतिरिक्त भी व्यवस्था कुछ जिलों में कर ली जाती है और वो अच्छी बात है कि सारे लोगों को ये साथ बैठाकर कुछ टेक्निकल कुछ लीगल बातें बताई जाती है, यानी दोनों का प्रेशर होता है। अवेशा कमीशन की ये है कि 50 से ज्यादा के ग्रुप में या छोटे छोटे ग्रुप 50 से ज्यादा के ग्रुप में ट्रेनिंग ना कराई जाए, छोटे छोटे ग्रुप में और सबको मशीनों पर हैंड्स ऑन कर सकें ऐसी व्यवस्था रखें, लेकिन यह भी उपयोगी होता है कि लोगों को इकट्ठा बैठा करके कुछ चीजें आप बताएं।